ग्वालियर में बीते महीने 25 सितंबर को ग्वालियर में गुर्जर महाकुंभ हुआ था। इस महाकुंभ में हजारों लोगों की भीड़ ने कलेक्ट्रेट समेत शहर के अनेकों इलाकों में जमकर हुड़दंग मचाया था। आपको बता दें कि उपद्रवियों ने कलेक्टर, एसपी, निगम आयुक्त से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों के वाहनों को नुकसान पहुंचाया था। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा एक साथ 700 उपद्रवियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं उस समय आनन फानन में केवल 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। वहीं अब यह मामला ठंडा पड़ गया है। वहीं पुलिस ने जिन लोगों को इन दंगों का सूत्राधार बनाया था, वो आज भी खुले में घूम रहे हैं। इसी क्रम में एसपी राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारियां जारी है और कुछ लोगों के बारे में सबूत जुटाए जा रहे हैं। कुछ आरोपियों को पकड़ा था और कुछ लोगों के बारे में उनका अपना कहना था कि कुछ लोग नहीं थे उसमें, तो उनके आवेदनों पर भी कुछ को जांच में लिया गया है। अभी बीच में कुछ कुल मिला के 13 आरोपी अरेस्ट हैं उसमें, 307 के मामले में अलग अलग कुल मिला के करीब इसमें 30 के करीब आरोपी अरेस्ट हैं, तो उन पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई आदमी किसी तरह का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और अगर एविडेंस आएगा तो उस पर भी कार्रवाई।